बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को अस्तगफार की पाबंदी पर इनामात क्या देंगे आपको अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या फरमाया वो बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफार की पाबंदी पर इनामात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अस्तगफार का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और हर गम से खलासी और छुटकारा देगा और ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। अबू दाऊद की हदीस है। फिर सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और हर गम से खलासी और छुटकारा देगा और ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा जहां से गुमान भी ना होगा। सदकल्लाहुल अज़ीम। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है और इस हदीस को ज़रूर याद करना है और इस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।